कुछ नई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर के लगातार चर्चाएं जोरों पर हैं और कहने का इस सीट पर जब से डिंपल यादव की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ उसके बाद से तरह तरह की खबरें जो है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में आपको बताऊं कि जिस तरीके से रघुराज सिंह शाक्य को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, हालांकि रघुराज सिंह शाक्य को लेकर के इस तरीके की खबरें नहीं चलाई जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी अपर्णा यादव का एक बड़ा कदम आप कह सकते हैं कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जो है जाकर के अपना फैसला सुनाया और उसके बाद बीजेपी काफ़ी ज़्यादा नाराज भी हुई। साथ ही अमित शाह की उस बड़ी मुलाकात का कोई असर होता नजर नहीं आया। लेकिन इन सब से अलग हट करके अगर इस खबर की बात करूं मैं कि दरअसल शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच आपने हालिया दो दिन तीन दिन पहले जो एक घटना को देखा, घटना मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि राजनीति में इस तरीके की चीज़ों को घटना ही कहा जाता है। दरअसल अखिलेश यादव मंच पर अचानक से आए और शिवपाल यादव के पैर छू लिए, उसके बाद तरह तरह की बातें जो है वो की जाने लगी। इसी बात को लेकर के जब अपर्णा यादव से एक मीडियाकर्मी ने सवाल पूछा और जानने की कोशिश की कि दरअसल इनका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है, उस पर अपर्णा यादव ने जो जवाब दिया वो काफ़ी ज़्यादा जो है अखिलेश यादव के लिए परेशान करने वाला था। दरअसल अपर्णा यादव के द्वारा कहा गया कि अखिलेश यादव को शिवपाल यादव के पैर पहले ही छू लेने चाहिए। तो क्या अपर्णा यादव ने इस पूरे बयान को देकर के ये बात साबित की है कि अखिलेश यादव जो अपने अहंकार के चलते लगातार पार्टी में अपने ऊपर या अपने स्तर पर किसी को आने की जो इजाज़त नहीं देते हैं, क्या अब वो पूरी तरीके से इस सीट पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है चुनावी हार को देखते हुए घिरते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि शिवपाल यादव के उन्होंने पैर छुए। ऐसे में अगर इन सब मामलों को जोड़ करके देखा जाए तो अपर्णा यादव की जो खटास है वो अभी भी अखिलेश यादव के लिए डिंपल यादव के लिए उसी तरीके से जो है बरकरार है। ऐसे में अब अखिलेश यादव जिस रणनीति के तहत मैनपुरी लोकसभा सीट को जीतने की तमाम कोशिश तमाम प्रयास जारी रखे हुए उसका कितना ज़्यादा असर धरातल पर नजर आएगा, क्योंकि उन्होंने चुनाव होने से एक महीने पहले से ही लगभग दो विधायकों की एक टीम गठित की थी और उनको पूरी तरीके से इस पूरे क्षेत्र पर जो है नज़र बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन अब इतने पूरी तरीके से जो है समय को देने के बावजूद भी क्या मैनपुरी लोकसभा सीट इतनी आसानी से समाजवादी पार्टी जो है वो जीतती नजर आएगी, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल अखिलेश यादव के अपनी बिसात को अपने नेतृत्व को बचाए रखने के लिए चुनाव का जीतना काफी ज्यादा अहम हो जाता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज को। धन्यवाद।